और आखिरकार नगीना से चंद्रशेखर आजाद ने 1,49,795 वोटों से जीत हासिल कर ली है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी भाजपा के ओम कुमार को हरा दिया है। बिजनौर में आज सुबह से हो रही वोटों की गिनती अब लगभग समाप्ति की ओर आ गई है। नगीना से चंद्रशेखर आजाद चुनाव जीत चुके हैं। नगीना सीट शुरू से ही हॉट सीट मानी जा रही थी। यहां दिलचस्प बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद पहली बार कोई चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी का गठन सिर्फ 4 साल पहले 15 मार्च 2020 को किया था। चंद्रशेखर आजाद को रावण के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 3 दिसंबर 1986 को सहारनपुर के गांव छुटमलपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम गोवर्धन दास और माता का नाम कमलेश देवी है। इनके पिता सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल रह चुके हैं जो अब रिटायर हो गए हैं। अगर हम बात करें चंद्रशेखर की पढ़ाई की तो चंद्रशेखर ने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से LLB किया है और लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा किया है। चंद्रशेखर आजाद को जिलाधिकारी बिजनौर अंकित कुमार गढ़वाल ने जीत का सर्टिफिकेट दिया। जैसे ही उन्हें सर्टिफिकेट मिला उनके समर्थक उछल पड़े और जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। बिजनौर से भाजपा के प्रत्याशी चंदन चौहान 30,531 वोटों से आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर सपा के दीपक सैनी हैं। जल्द ही इस सीट पर भी रिजल्ट फाइनल हो जाएगा। भैया राम से इधर देखो, राम से जी इधर देख लो। कैसे चलेगा सर? मैं नगीना की जो महान जनता है, नगीना की जो वो महान जनता जिसने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं उन सब का, जिसने मेरी आलोचना की उसका भी धन्यवाद करता हूँ, जिसने मेरे खिलाफ जो है कोई दूसरी पार्टी का काम किया उनका भी धन्यवाद करता हूँ, और जिन्होंने मुझे वोट के रूप में आशीर्वाद दिया, जिन्होंने 24 घंटे 7 दिन यहाँ काम किया, एक एक कार्यकर्ता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और देश भर से जो हमारे साथी यहाँ आए थे, जिन्होंने यहाँ मेहनत की, कहीं कहीं मैंने ईद पे भी घर नहीं गए, मैं उन सब भाइयों का भी धन्यवाद करता हूँ और सभी अधिकारी कर्मचारियों का। बहुत फेयर जो है, बहुत फेयर काउंटिंग हुई, सुबह से अब तक कोई एक ऐसा इशू नहीं आया जहाँ कोई बहस हुई है। बहुत फेयर तरीके से जो है, मैं धन्यवाद करूँगा यहाँ के प्रशासन का और जिन कर्मचारियों ने चुनाव में ड्यूटियाँ की उन सबका भी धन्यवाद करता हूँ। सबका सहयोग है और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता को मेरा नीला सलाम। बीजेपी की हार हुई है और भी जगह पूरी हार हुई है पश्चिम में, क्या कहना चाहेंगे? ये अगर इंडिया अलायंस के लोग समझदारी दिखाते तो परिणाम और बहुत बेहतर। अब मैं फिर आपसे कहूंगा कि ये पार्टी के फैसले, पार्टी जो फैसले के मुझ पर खड़ा, हम तो पार्टी के वर्कर। जीत का श्रेय किसे देना चाहते हैं? जीत का सरा मैं सिर्फ और सिर्फ नगीना की जनता और यहाँ के हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और देश भर से जो कार्यकर्ता हमारे जुटे थे उन माओ बहनों के आशीर्वाद को देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे लिए बहुत। आगे क्या रणनीति है आपकी? अब रणनीति रोज आपको काम करके दिखाएंगे।